दो देसी बहू तीन विदेशी बहू को मिला शगुन। कविता अपने पांचों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करा देती है, लेकिन तीन बड़े बेटे की शादी विदेशी लड़कियों से हुई थी, तो वहीं दोनों छोटे बेटों की शादी दो देसी बहू से हुई थी। जैसे वो पांचों अपनी ससुराल की ओर आती हैं, तो कविता पांचों बहू की आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करती है। वो सबसे ज्यादा उत्सुक अपनी तीन विदेशी बहुओं के लिए थी। अरे आओ आओ बहू, मैं तो तुम्हारी ही ताक में हूँ। मेरी विदेशी बहू आ गई, देखना आसपास के सब लोग इन्हें देखकर पागल ही हो जाएंगे और सब कहेंगे कि कविता की तीन विदेशी बहू आई हैं। घर पर तुम्हारा नाम नहीं माँ जी, मेरा नाम क्रिस्टल है। और बहू तुम्हारा नाम पिज्जा था ना? और तीसरी बहू तुम्हारा नाम जो किया था? नहीं माँ जी, मेरा नाम लीजा है। और मेरा नाम माँ जी जो किया नहीं जॉर्जिया है। हाँ वही वही वही। माँ जी आपको हमारा नाम तो याद होगा ना? तुम्हारा नाम याद करने में क्या है, तुम दोनों विदेशी थोड़ी हो, तुम तो यहीं की हो। मेरी विदेशी बहुओं के नाम इतने मुश्किल है कि मैं भूल ही जाती हूँ। मेरी गोरी गोरी विदेशी बहू अंदर आओ। अरे तुम दोनों बहू यहाँ क्यों खड़ी हो? कविता तुमने इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कहा? आओ बहू तुम भी अंदर आ जाओ, चलो बेटा अंदर। ससुर राकेश के सुनते ही दोनों देसी बहू भी अपने कमरे में पतियों के साथ चली जाती हैं। तभी कविता कहती है, देखो मैं तो अपनी विदेशी बहुओं के ही गीत गाऊंगी कि मुझे हमेशा से अपने घर में बाहर भी देश की फॉरनर बहुएं चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई। आप ही इन देसी बहुओं से बात करो। तुम्हारी विदेशी बहुओं में क्या हीरे सोने जड़े हैं जो तुम्हें वो पसंद आ रही है? देखो अपनी मिट्टी होती है और देसी बहू देसी होती है। चार दिन में तुम्हारी विदेशी बहू तुम्हें धूल चटा देंगी, देख लेना। अरे रहने दीजिए आप तो यही बोलेंगे आपकी देसी बहू की पसंद की बुराई जो कर रही हूँ मैं। वो तो कह कह कर मैंने तीन विदेशी लड़कियों का रिश्ता ढूंढा है, फिर भी आपने दो देसी लड़कियों से शादी करवा ही दी मेरे बेटों की। हाँ हाँ करवानी ही पड़ेगी, जब तुम्हारी पसंद खराब निकलेगी तो देखना आगे क्या क्या होता है। ऐसा कहकर राकेश वहाँ से चला जाता। अगले दिन पांच बहुएं नई नवेली दुल्हन की तरह साड़ी में तैयार होकर आती हैं, और उसमें से दो देसी बहू अपने सास ससुर के पैर छूती हैं, लेकिन विदेशी बहू आकर खड़ी होकर घूमने लगती हैं। ये देख राकेश कहता है, जीते रहो बहू, सदा खुश रहो। देखा कविता, दोनों छोटी बहू जिनके लिए तुम कुछ कह रही थी उन्होंने तो हमारे पैर छू लिए, लेकिन तुम्हारी विदेशी बहुओं ने पैर नहीं छुए। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? बाहर विदेशों में पैर नहीं छूते इसलिए मेरी विदेशी बहुओं को ना पता है ना आदत है, क्यों है ना बहुओं? या राइट माँ जी, अब बताइए आपको पहली रसोई में क्या खाना बना कर देना है? तुम पाचों को जो आता है वो अपनी पहली रसोई में बना लो, ठीक है? तुम दोनों भी देसी बहुओं। माँ जी आप हमें बार बार देसी बहू क्यों बोलती हैं? हमारा भी नाम है, आप हमें नाम से बुलाइए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक बोली मेरी बहुओं। अरे तुम तो चुप ही रहो, बड़ा है अपनी देसी बहुओं का पक्ष लेने। और तुम दोनों को तो मैं वही बोलूंगी जो मेरी जुबान पर आएगा, समझी तुम? अपनी सास की बात सुनकर पांचों रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं और कहती हैं, हम तीनों को तो खाना बनाना आता नहीं है। हाँ हमें तो कुछ भी नहीं आता, I can't make Indian food। दीदी अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमें बेझिझक बता सकती हैं, हम आपकी खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हाँ दीदी आप बताइए ना। ओके तो हमारे लिए भी तीन इंडियन डिशेस बना दो, पहली रसोई के रस्म के मुताबिक जो होनी चाहिए। और हाँ ध्यान रहे अपनी अलग बनाना, हमारी अलग रेसिपी। माँ जी को बिल्कुल भी बताना मत। ठीक है दीदी आप निश्चिंत रहिए, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। इस तरह दोनों देसी बहू पांच तरह का अलग अलग पहली रसोई का खाना बना लेती है। रसोई के दूसरे छोर पर विदेशी बहू उन्हें देखकर हंसते हुए बात करती हैं। ये कितनी बेवकूफ होती हैं देसी बहुएं, हमारी बेचारी देवरानी इन्हें यही नहीं पता कि हम इन्हें पागल बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कभी अपने देश में भी काम नहीं किया जो इस घर की बहुरानी बनकर नौकरानी का काम करेंगे, उसके लिए हमारी ये दोनों देसी देवरानी है ना यही काम कर लेंगे। हाँ हाँ दीदी खाना तैयार हो गया, अब हम सब अपना अपना खाना लेकर माँ जी के पास चलते हैं। ओके चलो। ये कहते ही पांच बहुएं अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती हैं, और जब सास ससुर उनके हाथ का खाना बना खाते हैं तो कहते हैं,
कैसा लगा माँ जी पापा जी आपको खाना? वैसे पांच बहुओं का खाना तो अच्छा बना है, और सबसे ज्यादा अच्छा खाना तो मेरी देसी बहुओं का है। अरे अपनी देसी बहुओं से तुम्हारी नजरें हटे तो तुम मेरी विदेशी बहू के हाथ का खाना भी देखोगे। देखो मेरी विदेशी बहू क्रिस्टल ने खीर बनाई है, लीजा बहू ने सूजी का हलवा बनाया, और जॉर्जिया बहू ने मटर पनीर बनाया है। इनका हाथ का खाना तो चखो, इतना अच्छा बना है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको बड़ी दीदी का खाना पसंद आया है तो कोई बात नहीं। ये लो विदेशी बहुओं तुम्हारा शगुन, और ये लो मीनाक्षी सुप्रिया बहू। थैंक यू पापा जी। ये लो बहू मेरी तरफ से एक एक सोने का कंगन तुम तीनों को, और ये लो तुम तीनों चांदी की अंगूठी। शुक्रिया माँ जी। इस तरह कविता अपनी विदेशी बहुओं को ही ज्यादा प्रोत्साहन करती है, उन्हें ज्यादा आराम देती है, उनसे कोई काम नहीं करवाती, उनका हमेशा पक्ष लेती है। वहीं दूसरी ओर वो अपनी देसी बहुओं की तरफ न देखती है, न उनसे ज्यादा बातें करती है, उल्टा उन्हें ताने देती है, घर के सारे काम उनसे करवाती है, खाना भी उनसे ही बनवाती है। दो दिन बाद बहुओं की मुंह दिखाई होती है तो गली की औरतें विदेशी बहुओं को देखकर कहती हैं, अरे वाह तेरी तीनों बड़ी बहू तो बाहर विदेश से आई हैं, बड़ी गोरी चिट्टी हैं, मुझे तो तेरी बहू ये बहुत अच्छी लगी, ये लो मेरी तरफ से तुम तीनों को हार। सच में कविता तेरी ये तीनों बहू तो बहुत अच्छी हैं, तूने अपने उन दोनों बेटों की शादी देसी बहू से क्यों करवाई, पांचों बहू विदेशी ही ले आती तो बढ़िया रहता। अरे सोचा तो मैंने भी यही था, पर मेरे पति माने ही नहीं, मेरे दोनों छोटे बेटों की शादी इन देसी बहुओं से करा दी, अब इनके नैना मेरी विदेशी बहू जैसे, ये लो तुम पांचों की मुंह दिखाई कर देती हैं। ऐसा कहकर कविता अपनी तीन विदेशी बहुओं को काफी अच्छे अच्छे गहने देती है और विदेशी बहुओं को एक शगुन का लिफाफा दे देती है। तो देसी बहू कहती है, आपने अपनी इच्छा से हमें जो भी दिया हमें स्वीकार है। इस तरह बहू की मुंह दिखाई भी हो जाती है, लेकिन अब तीनों विदेशी बहू कविता की इज्जत नहीं करती, उसे उनकी जरूरत होती थी तो वो कुछ नहीं करती थी। कविता को सिरदर्द होता था तो काढ़ा बनाकर देसी बहू देती थी, पैर देसी बहू दबाती थी तब भी वो उन पर चिल्लाती ही थी, तुम दोनों बहुओं से एक काम ठीक से नहीं होता, कर दिए ना खराब मेरे कपड़े, मैंने कहा था अच्छे से साड़ी धोना, पर नहीं तुमसे ये भी नहीं होता। माँ जी हमने ठीक से साफ किया था, पता नहीं ये कैसे गंदा हो गया, हम दोबारा साफ कर देंगे। कविता बहू के ऊपर चिल्ला रही थी तभी राकेश कहता है, अरे कविता बस भी करो, जब से बहू आई है तुम बस इन दोनों बहुओं के पीछे पड़ गई हो, तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी तीनों बहू में इनका तुम गुणगान करती हो, कभी तुम्हारे काम आई है, कभी तुम्हें काढ़ा पिलाया या तुम्हारे पैर दबाए है? नहीं ना, यहाँ तक कि पहली रसोई का खाना भी इन दोनों ने बनाया था उन तीनों के नाम से, मुझे तो पहले ही खाते ही पता चल गया था, तो मैं तो खाने के बाद भी समझ नहीं आया, लेकिन तुम इन दोनों पर ही बरसती रहती हो, बेचारी को नेक भी तुमने ठीक से नहीं दिया, न मुंह दिखाई न खाने का, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? पहली रस्म का खाना इन दोनों बहुओं ने बनाया था, इसका मतलब विदेशी बहुओं ने मुझसे झूठ बोला और मैंने इन बेचारी के साथ कितना बुरा किया, असल में शगुन की हकदार तो सुप्रिया और मीनाक्षी बहू हैं। तुम दोनों बहू मुझे माफ कर दो, मैं तो समझ ही नहीं पाई और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमें इतना कह दिया यही हमारे लिए बहुत है। हाँ माँ जी। जब कविता अपनी दोनों देसी बहुओं से माफी मांग लेती है तो अपने गले से दोनों हार उतार कर दोनों बहुओं को पहना देती है। ये देखकर विदेशी बहुओं की आंखों में शर्म आ जाती है और वो उनसे माफी मांगती हैं, जिसके बाद पांचों बहुएं खुशी खुशी रहने लगती हैं। मोहन अपने आंगन में बैठा हुआ रो रहा होता है, तभी वहां पर राकेश आता है और उसे रोते हुए देखकर उससे कहता है, अरे मोहन, अरे क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रहा है? क्या बताऊं भाई, घर की परेशानियां खत्म नहीं होती है। जिस आम के बाग में मैं काम किया करता था वहां के मालिक ने ससुरा हमें नौकरी से निकाल दिया, अब हम क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुझे सॉल्यूशन बाबा के पास जाना चाहिए, वैसे भी तू उनका सबसे खास शिष्य रह चुका है, वो अपने मंत्रों से तेरी सभी परेशानियों को खत्म कर देंगे। मोहन बाबा का नाम सुनने के बाद शांत हो जाता है, जिसके बाद वो राकेश से कहता है, भाई मैं जाना तो चाहता था लेकिन बस एक मजबूरी है जिसके चलते जो है उनके पास नहीं जा रहा हूँ। मजबूरियों का सॉल्यूशन ही तो बाबा है, तुझे उनके पास जाना चाहिए मेरे भाई। ऐसा कहने के बाद राकेश वहां से चला जाता है और बेचारा मोहन अपनी किस्मत को कोसने लगता है, तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अजी इस तरह कब तक रोते रहोगे, रोने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा,
अगर घर चलाना है तो अपने आप को संभालो और सॉल्यूशन बाबा के पास पहुंच जाओ। घर में हम लोगों को खाना खाए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। अरे मंदा, तुम तो सब कुछ जानती ना हो, उसके बाद भी ऐसी बात कर रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें सब कुछ तो बताया है, फिर भी तुम मुझे सॉल्यूशन बाबा के पास जाने के लिए कह रही हो। देखो, जो हकीकत है उसको अपनाओ, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अपने बच्चों को कब तक भूखा रखोगे? पिताजी पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए तो थाने के लिए लेकर आओ ना। लगता है अब मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। चलो तुम पायल को अंदर लेकर जाओ, हम सॉल्यूशन बाबा के पास जा रहा हूँ। मोहन ऐसा कहने के बाद घर से निकल जाता है और शाम का वक्त हो रहा था। धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते मोहन जंगल से गुजरते हुए सॉल्यूशन बाबा की गुफा तक पहुंच जाता है। अरे बाबा तो अपनी भक्ति में लीन है, मुझे तो लगता है कि थोड़ा देर इंतजार कर ही लेना चाहिए। मोहन ऐसा सोचकर सॉल्यूशन बाबा के सामने बैठ जाता है कि तभी बाबा अपनी आंखें बंद होने के बाद भी मोहन से कहते हैं, तुम्हारा मेरी गुफा में स्वागत है मोहन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे जो है अपनी गलती का पछतावा है। मोहन ऐसा कहने के बाद रोने लगता है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? मेरे परिवार की खुशी के लिए, लेकिन पता नहीं था कि मैं अपने परिवार को ही खुश नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैं जो है आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन बाबा, मुझे कोनो रास्ता दिखाओ, हमार परेशानी थोड़ा कम कर दो। मोहन के कहने के बाद सॉल्यूशन बाबा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएगी। बस एक काम करो, बाहर एक नदी है, वहां से एक मटके में पानी भर कर ले आओ। बाबा के कहने पर मोहन नदी से मटका भर कर ले आता, इसके बाद वो उससे कहता है, अब बताइए मुझे कि अब मैं क्या करूं, मेरे परिवार की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। बाबा उस मटके में से कुछ पानी निकाल कर बोतल में भर देते हैं, जिसके बाद वो उस बोतल को मोहन को दे देते हैं और कहते हैं, इस पानी को अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर अगली सुबह का इंतजार करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में तुम्हें कोई भी टोकने या रोकने की कोशिश करे तो तुम्हें रुकना नहीं है। मोहन बाबा की बात मान लेता है, जिसके बाद वो सीधा पानी लेकर अपने घर के आंगन में आकर डाल देता है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह के लिए सो जाता है। सुबह मंदा आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं, क्या सच में ये इतना बड़ा पेड़ है? लेकिन ये पेड़ कहाँ से आया? मंदा तुरंत मोहन को बुलाती है। इका, इतनी मेहनत का फल ये पेड़ दिया है सॉल्यूशन बाबा ने मुझे। मोहन इतना कहता ही है कि तभी अचानक से उस पेड़ के ऊपर से एक सुनहरा पन्ना उसके पैरों के पास आकर गिरता है, जिसमें लिखा होता है, ए जादुई पेड़, दिखा दे अपना कमाल और कर दे हमारी मुश्किल आसान। मोहन के पढ़ते ही वो मामूली पेड़ अचानक से एक जादुई पेड़ में बदल जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे आम उगाते हैं। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर मोहन और मंदा दोनों ही डर जाते हैं। अरे रुको रुको, रुक जाओ, तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सॉल्यूशन बाबा की वजह से ही हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे इस जादुई पेड़ से एक आम तोड़ लो। जादुई पेड़ के कहने के बाद मोहन इस पेड़ के ऊपर से एक आम तोड़ लेता है। मैं हूँ एक आम, करता हूँ सबके काम, बताओ तो सही तुम्हें मुझसे क्या है काम? तुम इस आम से जो कुछ भी चाहते हो वो मांग लो। अजी, आम से सोना और सोने के गहने मांग कर देखो ना। जादुई आम, मुझे सोने के गहने चाहिए। मोहन के इतना कहते ही उस जादुई आम के अंदर से गहने निकलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया, ऐसी तो कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। मोहन के हाथों से जादुई आम अपने आप वापस जादुई पेड़ पर आकर लग जाता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगले बार जब भी मदद के लिए बुलाओगे तो उस मंत्र को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा कहने के बाद जादुई पेड़ नॉर्मल हो जाता है। लो जी, सॉल्यूशन बाबा ने हमारी समस्या ही हल कर दी, अब तो हम पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ये सब मेरी मेहनत का फल है। अब हम अपना एक बड़ा सा घर बनाएंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे, अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नहीं मंदा, हम बहुत गरीब हैं और अचानक से अगर हम अमीर हो जाएंगे तो गांव वालों की नजर जो है हमारे ऊपर पड़ेगी, ये सब ठीक नहीं होगा। हम जादुई आम के पेड़ की मदद तो लेंगे, लेकिन हम जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? मंदा उसमें भी खुश हो जाती है। उस दिन वो पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, मोहन सुनहरे पन्ने से मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद वो नॉर्मल पेड़ अचानक से जादुई पेड़ में बदल जाता है।
आपकी खिदमत में जादुई आम का पेड़ हाजिर है। कोई भी एक आम तोड़ लो और आपको जो भी चाहिए उससे मांग लो। मोहन एक आम तोड़कर कहता है, अब मुझे खूब सारे आम और सोना चाहिए। मोहन के इतना कहते ही वहां पर कई सारे आम और सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर जादुई पेड़ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद मोहन सारे आम लेकर बाजार बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से शाम तक मोहन की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो खूब पैसा कमा कर अपने घर लौटता है। देखा मंदा, मैंने मदद के साथ साथ अपनी खुद की कमाई भी की है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम से ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। उस दिन के बाद से मोहन जादुई आम के पेड़ की मदद से खूब पैसा कमाना शुरू कर देता है और जिसके चलते वो अपना खुद का मकान भी बनवा लेता है। अब जब हमारे पास इतना पैसा है तो काहे ना हम अपनी खुद की आम की फैक्ट्री खोल लूं, जिससे हम ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अब हम अपने पायल को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। मोहन अपने कमाए हुए पैसों से एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री खोल लेता है और वहीं दूसरी तरफ जादुई आम के पेड़ की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की काफी मदद करता है। जहां उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, अचानक एक हवा के झोंके की तरह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।